साउथ एशिया लिबर्टी जैसे हमेशा हम दोस्त मिलके प्रोग्राम करते हैं और बातचीत करते हैं, डिफरेंट चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक था वो रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर और जिसे हमें पाकिस्तान कहते हैं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, न्यू फेसेस एंड सर जी, राजीव जी, सभी दोस्तों, अच्छा हुआ एक दो घंटा हमने बातचीत की। एक्चुअली ये जो 23 मार्च 1940 की रेजोल्यूशन है वो जिसे करारदाद लाहौर भी कहते हैं, ये पेश की गई थी शेर ऑफ बंगाल मौलवी फजल हक, जो बंगाल से थे, उन्होंने ये पेश की थी उस टाइम, यानी उन्होंने बताई थी। जो करारदाद एक्चुअली थी खुद मुख्तियारी के बारे में कि पाकिस्तान में जो भी सूबे या जो भी इलाक होगा तो वो सब सबका एक खुद मुख्तियार मीन्स इंडिपेंडेंट प्रोवेंसेस होंगे, उसमें कोई रिलीजियस या कोई चीज़ें जैसे एक सेक्युलर कंट्री का एक आइडिया दिया गया। लेकिन उन इस आइडिए का पहले दिन से ही कत्ल किया गया अपने मफादात के लिए। मफादात किसके थे? वो मफादात एक्चुअली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो फौजी इदारे हैं या अपने आप को जस्ट सुपीरियर साबित करने के लिए एक इन जो आइडिया दिया गया उसको कत्ल किया गया उसी दिन से। तो आज तक उसी करारदाद को पाकिस्तान का नाम देके चलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये आइडिया उस दिन ख़त्म हो गया जब बंगाल की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन बंगाल ने देखा कि हमें वो जो रेस्पेक्ट और वो जो फेडरेशन में राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। तो उसी दिन से वो पाकिस्तान का योम पाकिस्तान या पाकिस्तान का वजूद उसी दिन ख़त्म हो जाता है। आज जो सिंध प्रोविंस है उसने पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन में रिट डाली या उसको अप्रूव किया, लेकिन आज सिंध वही सिंध वो जो सही जीएम से जिसने इस रेजोल्यूशन को पास करवाया, हालांकि उसको उस टाइम सभी ने उनको बोला भी कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, पर एक चीज़ हुई। लेकिन आज सिंध उसी पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है, वही बलूचिस्तान है। जैसे केपी के खैबर पख्तूनख्वा तो वो उसी टाइम ही पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन इवन बलूचिस्तान भी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन जब साथ हो गए लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो आज बलूचिस्तान भी अलग होना चाह रहा है। इसका रीज़न क्या है? योम पाकिस्तान भी बन गया, पाकिस्तान भी बन गया, लेकिन वो आज तक चल क्यों नहीं रहा है? इसी वजह से नहीं चल रहा है कि जितने भी पाकिस्तान में कौमें हैं, यानी जैसे सिंधी हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, या जो बंगाली थे जो अभी भी हैं लेकिन अपना वो अलग हो गए, तो कभी भी इन सभी कौमों को वो राइट नहीं दिया गया जो एक्चुअली उनका हक था, जो एक्चुअली उनका हक था वो नहीं दिया गया। इसी वजह से ये पूरा इशू और पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे 1940 की रेजोल्यूशन थी, अगर उसी हिसाब से अगर ये चीज़ होती और पाकिस्तान उसी हिसाब से चलता तो शायद आज ये इतनी प्रॉब्लम्स या बंगाल या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। इवन मुझे तो अजब लगता है कि कायदे आज़म जैसे आदमी ने एक मरतबा कहा कि पाकिस्तान जो है उसी दिन बन गया था जब पहला हिंदू जो है मुसलमान हुआ था। व्हाट द नॉनसेंस, मींस आप किस हवाले से बात कर रहे हो? कोई भी कौम या कोई भी मजहब या कोई भी इंडिपेंडेंस कभी भी मजहब के पीछे भी नहीं बनती है, नहीं चल सकती है। रिलीजन ऑलवेज डिवाइड्स द ह्यूमैनिटी, रिलीजन नेवर हैव
keep together all the humans. So main चीज यही है कि जो यानी पाकिस्तान अभी अभी का अगर हम पाकिस्तान ले लें तो जितनी भी establishment है आर्मी है पाकिस्तान के इदारे हैं बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि जितने भी हम पे अरबी अरब कंट्रीज या जितने भी कब्जा करने के लिए हमला करने के लिए लोग आए उन्होंने हमें रिलीजन दिया और हम खुश हैं और आगे चल के हम खिलाफत और उम्मा और ये चीज़ें कर रहे हैं जैसे पैन इस्लामाइजेशन का मुर्शिद भाई ने बात की तो यानी एक ऐसी थिंकिंग ऐसा ख्याल सारी दुनिया को जा रहा है कि जस्टिफाई कर रहे हैं रिलीजन को यानी एक आदमी आपके कंट्री पे आपके वजूद पे कब्जा करता है और आप बोलते हो कि ही वाज गुड यानी क्यों गुड है क्योंकि उसने रिलीजन दिया हमें रिलीजन को फिर अफ्रीकन्स को भी दिया लेकिन उनकी लैंड बाइबल हाथ में देके उनकी लैंड ले ली गई तो रिलीजन आई थिंक ये जितना भी अभी भी जो पाकिस्तान जिस हिसाब से चल रहा है कि हम जो है मुस्लिम कौम है हालांकि कोई भी कौम रिलीजन पे नहीं बनती है अगर रिलीजन पे कौमें बनती थी तो पूरी दुनिया में जितने क्रिश्चियन हैं वो अपने आप को क्रिश्चियन कौम बोलते या जितने भी अरब कंट्रीज हैं अगर वो अरब कंट्रीज हमारे जितने भी हैं वो अपने हर कोई अपनी अलग अलग कंट्री बनाए हुआ है वो ये नहीं क्यों नहीं बोलते कि वी आर हम एक अरब नेशन है तो सिर्फ पाकिस्तान और हमारे पास ये जो इस्लाम का नज़रिया आ गया है कि भाई हम मुसलमान कौम है मुसलमान कौम नहीं होती है ना हिंदू कौम होती है एक्चुअली कौमें कल्चर से बनती हैं कौमें कल्चर होती हैं कौमें आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है जो शुरू से आखिर तक आपकी आइडेंटिफिकेशन चलती है असद भाई ने जैसे कहा कि हमें अपने रूट्स में जाना चाहिए हमें वो रूट्स यानी ये नहीं है कि हमें मुस्लिम या हिंदू या उन चीज़ों में घुस के जाना चाहिए नहीं हमें इन चीज़ों में चाहिए कि हमारा एक्चुअल जो कल्चर था हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन है हम जो ग्रेटर सिंधु वास या इंडस सिविलाइजेशन की हम जो एक नेशन है क्या हम वो अपना वजूद अपना तशख्स अपनी चीज़ें बरकरार रख सकें या नहीं रख सकें अगर नहीं रख सकें तो उसके सबब क्या हैं उसके सबब क्या हैं हिंदू कोई कौम नहीं है हिंदू एक सिविलाइजेशन है इंडस सिविलाइजेशन से एक निकला हुआ लफ्ज है मुसलमान कोई कौम नहीं है ये गलत कॉन्सेप्ट है जो यानी मजहब के नाम पे कौमें बनाई जा रही हैं आजकल जो यानी खासकर हमारे पास कि मुस्लिम उम्मा बनाई जाए या खिलाफत बनाई जाए या सारी दुनिया पे खिलाफत बना के और हमें हुकुमरानी करनी चाहिए तुर्की का जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था तो आई थिंक दिस इज कर्स के यानी वो रिलीजन के हवाले से चीज़ों को लेके और ये पूरा किया जा रहा है तो मोर देन दिस इट्स बेटर इफ वी विल गो इन आवर रूट्स इन आवर कल्चर इन आवर लैंग्वेज इन आवर बेसिक वे इवन हम सिंधु देश अभी क्यों चाह रहे हैं या बलूचिस्तान आज़ादी क्यों चाह रहे हैं हम अपनी कोई रिलीजियस हिसाब से सिंधु देश नहीं बनाना चाह रहे हैं वी वांट ए सेक्युलर लैंड जो पहले सिंध थी जब हर कोई साथ में था एक किसी कोई मजहब का मतभेद नहीं था या किसी कोई एटर्टिस नहीं थी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी हम वही सिंध पुराना जो सिंध था जो इंडस सिविलाइजेशन थी जिसमें एवरीवन वाज फ्री वी वांट दैट वन वी डोंट वांट सिंधु देश फॉर सम रिलीजियस एस्पेक्ट नो रिलीजन आई थिंक इट्स ए कोड ऑफ लिविंग इट्स एवरीवन राइट्स हाउ ही वांट टू लिव ही इज फ्री ही कैन लिव हु आई एम आई कैन से दैट यू आर यू हैव टू फॉलो माय लॉ And the today main problem is
same thing that Muslims, they are thinking that they are God gifted and everyone should live like us. Come on, who the hell is giving you that certificate that you are superior to everyone? No, on religion basis, nobody can be superior. Actually, religion teaches you that you are all equal. Who says you that if you are Muslim, you are super creature? Or if you are Hindu, you are super creature? No. It's the culture, it's the language, it's the identification, it's the roots of any person that makes you a super human. It's not religion. So, this 23rd March is just a killing of history, I will say simply, in still Pakistan doing the same theological thing they before in 1940 they did and now still they are doing. Actually, it was given on good grounds, but it was manipulated.